Assalamu alaikum, welcome to our new video. This is Ahmed Raza, Marketing Manager of Takmeer Associates. Today we are here at Magla Road to give you a construction update. जैसे कि हमने अपनी last video publish की in January regarding construction update, तो हम बताते चलें कि FWO ने as promised हमें last month में till D12 road complete करके provide कर दी थी. And from the E11, now people can easily travel towards B17 area through this Magla Road. So it will going to make a 10 minutes total drive from main Islamabad to B17. आप मेरे पीछे रोड की सूरत हाल देख रहे हैं. मेटल रोड थ्रू आउट D12 तक कंप्लीट हो चुकी है. शाला देता वाला जो ओवरहेड ब्रिज था, दैट इज कंप्लीटेड एज वेल. आप रोड लाइट्स आप देखें उसकी सूरत हाल, दैट्स आल्सो कंप्लीटेड. इवन के रोड साइंस भी लग चुके हैं. इसके अलावा रोड के ऊपर रोड सेपरेशन लाइंस भी पेंट की जा चुकी है. जैसे कि हमने ऑन द वे आपको दिखाया कि C14 सेक्टर का बोर्ड भी लग चुका है. इसके अलावा मागला रोड के इख्तिताम के ऊपर GT रोड की तरफ टर्न के ऊपर एक मेन बोर्ड लगाया जहां से डायरेक्शंस भी अवेलेबल हैं टुवर्ड्स GT रोड, एयरपोर्ट साइड और मोटरवे एज वेल. NLC इज वर्किंग एट अ वेरी फास्ट पेस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन रिक्वायर्ड टाइम. 2 मंथ्स का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था हमें, जिसके अंदर वो D12 से लेके E11 तक की रोड बिल्कुल प्लेन कर चुके हैं बुलडोजर्स के जरिए. इसके अलावा एक फ्लाईओवर अप्रूव हुआ था टुवर्ड्स द E11 साइड, जो कि मेन मागला एवेन्यू को ओल्ड मागला रोड के साथ कनेक्ट करेगा. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट एरिया भी एक मखसूस कर दिया गया है दरमियान में रोड के, जहाँ पे प्लांटेशन का काम स्टार्ट है. तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे के रोड पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई है. इसके अलावा लोग अपनी रोजमर्रा की आमदोरफ्त के लिए ये रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दिस वॉज द कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ मागला एवेन्यू. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड कंस्ट्रक्शन अपडेट्स.